एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात कार्यालय से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि रेलवे बस स्टेशन के पास बिना नंबर प्लेट या टूटे नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों का चालान किया गया और कुछ गाड़ियों को यार्ड में भिजवाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस का नियमित वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर और रोडवेज बस स्टैंड पर काफी लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। इसी संबंध में जाम को क्लियर भी कराया गया और साथ ही साथ वाहन की चेकिंग भी की गई, जिसमें 18 गाड़ियों का चालान किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ियों का पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उनकी गाड़ियां यार्ड में भेजा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, यातायात पुलिस का नियमित चेकिंग अभियान है। रोडवेज और रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोगों की आवाजाही रहती है, इसमें यहाँ पर जाम की भी समस्या रहती है, उसी को क्लियर करा रहे थे हम लोग, और वाहन चेकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। अभी तक 18 गाड़ियों का हम लोग चालान कर चुके हैं और अभी चेकिंग की कार्रवाई जारी है। इसमें मेन जिन लोगों की नंबर प्लेट गड़बड़ है, स्पष्ट रूप से नंबर प्लेट पर अंकित नहीं अथवा HSRP नहीं है, ज़्यादातर गाड़ियों का चालान HSRP की धाराओं में हुआ है। सर, कुछ गाड़ियों को यार्ड में भी ले जाया जा रहा है? जो पेपर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उन गाड़ियों के लिए यार्ड में ले जाए गए हैं। अगर वो पेपर जो प्रस्तुत कर देंगे उन पेपर को छोड़ के, जो पेपर नहीं होंगे उसी आधार पर उनका चालान हो जाएगा।